राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होने वाली है। इसके असम से गुजरने का भी प्लान है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार को साफ साफ कहा है कि कांग्रेस नेता की यात्रा को असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर इजाजत नहीं दी जाएगी। हिमंता बिस्वा सरमा ने दिसपुर के जनता भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यात्रा के दौरान असम में स्कूलों और शैक्षणिक मैदानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि गुवाहाटी में खानापारा से जालू कबारी तक की सड़क पर कई नर्सिंग होम के कारण अत्यधिक यातायात रहता है, जिससे बार बार एम्बुलेंस की आवाजाही होती है। इसलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इस मार्ग पर इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इजाजत मांगती है तो राज्य सरकार जैसे सभी पर्यटकों का स्वागत करती है, ठीक उसी प्रकार से उसे इजाजत देगी। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हालांकि कांग्रेस द्वारा असम में यात्रा आयोजित करने को लेकर अनुमति के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या कांग्रेस ने इजाजत मांगी है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनावश्यक बतंगड़ बना रही है, हमें नहीं पता कि वे कब और कहां आ जा रहे हैं। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मौका दिया गया था, लेकिन पार्टी ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिससे इतिहास उसे हिंदू विरोधी के रूप में आंकता रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचारों को लेकर इस तरह के निमंत्रण की हकदार नहीं थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हिंदू विश्व परिषद ने अपने नेतृत्व में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देकर कांग्रेस पार्टी को सुनहरा मौका दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचारों को लेकर इस निमंत्रण के हकदार नहीं थी। हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस निमंत्रण को स्वीकार कर हिंदू समाज से माफी मांग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।